हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनेत्रा, आपकी स्वाद की दोस्त। और मैं डॉक्टर श्वेता, आपकी स्वास्थ्य की दोस्त। स्वास्थ्य और स्वाद को मद्देनज़र रखते हुए आज तक हमें सुनेत्रा ने बहुत तरह तरह की रेसिपीज़ बताई, जैसे कि स्पाइसी, जायकेदार और टैंजी। पर आज मेरी सुनेत्रा से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। अक्सर जब मेरे घर में मेहमान आते हैं तो खाना तो बहुत टेस्टी बन जाता है, पर जब स्वीट डिश की बात आती है तो मैं खाना बनाते बनाते इतना थक जाती हूँ कि स्वीट डिश बनाने के लिए कुछ एनर्जी नहीं रहती है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप हमें कोई हेल्दी, टेस्टी और जल्दी बनने वाली एक स्वीट डिश सिखाएं। जी श्वेता, मैं आज आपके लिए बनाने वाली हूँ एक चीट्स रेसिपी, जो है सौंदेश। यूजुअली जब हम सौंदेश बनाते हैं तो उसमें हम चक्के की यूज़ करते हैं, बट मैं यूज़ करने वाली हूँ पनीर, और जो कि बहुत ही क्विकली तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं सौंदेश में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। हम यूज़ करने वाले हैं थोड़ी कैस्टर शुगर, रोज़ वाटर, इलायची का पाउडर, पनीर और चॉप्ड पिस्ताशियोस। पहले हम पनीर को थोड़ा सा पका लेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक सॉस पैन है जिसे हम हीट कर लेते हैं। पनीर को पकाने का कोई स्पेसिफिक रीज़न? रीज़न ये है कि हम इसके अंदर शुगर भी डालने वाले हैं। अगर हम शुगर इसी में इस तरह से डाल दें तो शुगर पूरी तरह से उसे कोट नहीं करेगा, एंड यू विल गेट दैट पाउडरी फीलिंग ऑफ शुगर। दैट इज़ द रीज़न। पहले हम पनीर को थोड़ा पका लेंगे हल्का सा, फिर उसके अंदर शुगर डालेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करके उसका हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे मेरा पैन थोड़ा सा गर्म हो गया है। हम पनीर को यहाँ पे डालेंगे। इसको ज़्यादा देर तक हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट थोड़ा सा, जब तक कि जो पनीर है हल्का सॉफ्ट ना हो जाए। मैं यहाँ पे विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही एक स्पैचुला का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो पनीर के ये पीसेस है लंपी ना रहे, थोड़े से अपने एक दूसरे के साथ घुल जाए और सॉफ्ट हो जाए टेक्सचर में। तो पनीर को डायरेक्टली हम फ्लेम पे कुक कर सकते हैं, कुछ घी या कुछ मीडियम डालने की ज़रूरत नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ फैट। ऑब्वियसली पनीर ऑब्वियसली हैज़ सो मच ऑफ फैट ऑलरेडी इन इट कि आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ये देखिए पनीर अभी थोड़ा गलना शुरू हो गया है। मैं अभी इसे फायर से थोड़ा सा बंद कर देती हूँ। आई विल स्विच ऑफ द स्टोव। यू कैन सी कि ये हल्का हल्का अभी सेमी लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर दिया है इसने। हाँ, जो पीसेस आपने किए थे मैं देख सकती हूँ कि वो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें इस वक्त हम डालेंगे हमारी कैस्टर शुगर। शुगर और पनीर का कुछ प्रपोर्शन जो हमें ध्यान में रखना चाहिए? आपने जितना पनीर लिया है उसका हाफ क्वांटिटी आप शुगर ले। इसे भी हमने अभी अच्छे से मिला लेना है। एक पॉइंट आई थिंक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि गैस ऑन करते हुए हमें शुगर नहीं डालनी चाहिए। जी नहीं, क्योंकि शुगर फिर कैरमलाइज होती है और वो हार्ड कर देगी पनीर को। तो हम आपने जो गैस बंद करके शुगर ऐड की है वो हमारे लिए बहुत बड़ी टिप है। एब्सोल्युटली। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। मेरे पास एक बोल है, हम जो पनीर है इस बोल में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इस वक्त मैं थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर डालने वाली हूँ, जस्ट फॉर द स्मेल ऑफ इट। उससे ये पतला तो नहीं होगा? जी नहीं, हमने बस हल्का सा डालना है, कुछ ही बूंदे डालनी है, नॉट टू मच। अगर आप ज़्यादा रोज़ वाटर डालेंगे तो उसका जो स्मेल है बहुत ओवरपावरिंग हो जाएगा। इसी के साथ मैं थोड़ी सी इलायची का पाउडर भी इसमें डालने वाली हूँ, अगेन अ लिटिल पिंच। यानी कि इलायची के पीसेस नहीं यूज करके अगर हम पाउडर यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और फाइनली इसमें हम डालेंगे चॉप्ड पिस्ताशियो नट्स। आप
चाहे तो इसमें दूसरे नट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे आमंड्स या फिर कैशू नट्स, और रेजन्स के साथ अब इसको गार्निश कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने मार्केट में अक्सर देखा है कि बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं सौंदेश के, जैसे मैंगो सौंदेश या अलग तरह के फ्रूट फ्लेवर्स के सौंदेश जी। तो यदि मुझे फ्रूट फ्लेवर्स डालने हो तो मैं ड्राई फ्रूट्स हटा के वो फ्रूट फ्लेवर्स डाल सकते हैं। फ्रूट फ्लेवर डाल सकते हैं, और उसी के साथ पनीर की मात्रा थोड़ी एक्सेस में रखिए, क्योंकि जो भी आप पल्प डालेंगे तो उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका जो मिक्सचर है बहुत ही सॉगी रहेगा और आप उसको फिर रोल्स नहीं कर पाएंगे। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताई, क्योंकि शायद मैं मिस्टेक कर सकती थी कि मैं फ्रूट पल्प डालती और मॉइस्चर का कंटेंट ध्यान में नहीं रहता। तो आइए, अभी तो मिक्सर रेडी हो गया है, हम इसके छोटे छोटे राउंडल्स बना लेते हैं और सर्व करते हैं। बस इतनी जल्दी हमारी डिश तैयार? तैयार भी होगी जी हाँ। इसमें काफ़ी हेल्दी इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ हुआ है, ना केवल ये ईजी टू क्विक रेसिपी है, बट आई विल कंसिडर दिस टू बी अ वेरी हेल्दी रेसिपी, क्योंकि इसमें और वेरिएशंस भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे लो फैट बनाना है तो मैं पनीर को घर में टोंड मिल्क का पनीर बना के यूज़ कर सकती हूँ, तो मेरा फैट कंटेंट कम हो जाएगा। अगर मुझे बच्चों के लिए बनाना है तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल के बना सकती हूँ, तो उससे उनको अच्छे फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ तो इसके फ्रूट वेरिएंट्स बना सकती हूँ। तो आपने आज हमें एक ऐसी डिश बताई है जिसके कितने सारे चेंजेस हम करके बना सकते हैं। और एक खास बात तो मैं मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि सपोज जिनको दूध से एलर्जी हो, उन लोगों के लिए पनीर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम पनीर खाने की एडवाइस देते हैं। तो अगर हमारा पनीर लो फैट है, घर में बनाया हुआ है, तो उसका यूज़ वो कैल्शियम के सोर्स की तरह कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड रेसिपी, गुड एंड क्विक रेसिपी, क्विक रेसिपी। आप चाहे तो इसके अंदर ड्राइड फ्रूट्स के साथ साथ ड्राइड फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्राइड गुलाब के पत्ते मिलते हैं, आप उसे यूज़ करें तो और भी शाहियाना उसका अंदाज हो जाता है, इट बिकम्स अ वेरी रॉयल सॉर्ट ऑफ डिश। मुझसे जो गेस्ट्स मेरे घर आते हैं उनके एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि क्विक एंड हेल्दी रेसिपी। सो आई एम श्योर आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस। सो वी मेकिंग द लास्ट ऑफ आवर संदेश। सो श्वेता, संदेश तो रेडी हो गए हैं, मैं अभी इसे गार्निश करूंगी पिस्ताशियों से। ये एक रेसिपी बहुत सूटेबल है उन लोगों के लिए जिनका फास्ट है, क्योंकि फास्टिंग में अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं, बाज़ार की स्वीट में कभी मैदा या कुछ ऐड हुआ होता है तो हम नहीं खा सकते, पर आपकी रेसिपी में तो केवल पनीर, शुगर, इलायची पाउडर और पिस्ता है, जो सब चीज़ें फास्ट में अलाउड है। सुश्वेता, अभी हमारा संदेश रेडी हो गया है अलॉन्ग विद अ गार्निश, आप इसे टेस्ट करें और बताएं कि इसका फ्लेवर कैसे आ रहा है। डेफिनेटली। व्यूअर्स, जब तक श्वेता हमारे संदेश को टेस्ट कर रही है, आप इसका एक क्विक रीकैप देख लीजिए। संदेश बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप कैस्टर शुगर, आधा चम्मच गुलाब जल, आधा चम्मच इलायची पाउडर, एक कप पनीर और चौथाई कप कटे हुए पिस्ते। संदेश बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉस पैन में एक कप पनीर के टुकड़े डालकर गरम करें। जब पनीर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो पैन को आंच से उतारकर इसमें पनीर की आधी मात्रा के बराबर कैस्टर शुगर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक बोल में निकालकर ठंडा करें। ऊपर से आधा चम्मच गुलाब जल, आधा चम्मच इलायची पाउडर और लगभग चौथाई कप पिस्ता डालकर अच्छे से मिलाएं। हाथों की मदद से इस तैयार मिश्रण से छोटे छोटे राउंडेड संदेश बना लें। अब इन तैयार संदेश को एक ग्लास प्लेट में निकालकर पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। ये लो फैट स्वीट डिश खाने में जितनी मजेदार है, हेल्थ के लिए भी उतनी ही अच्छी है। सुनीत्रा, आपके संदेश बहुत ही टेस्टी थे और आज आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व की।
मुझे लगता है मुझ जैसे बहुत से व्यूवर्स की ये प्रॉब्लम थी कि हमें जल्दी और अच्छी बनने वाली रेसिपी चाहिए थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस सिंपल एंड न्यूट्रिशियस रेसिपी। यू आर मोस्ट वेलकम श्वेता। सो व्यूअर्स, आज आपने देखी एक चीट्स रेसिपी सौंदेश बनाने की। अगले बार फिर से आपकी मुलाकात होगी हमारे साथ इसी शो पे ऐसी कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। जीरो कैलोरी, व्हाट इज दैट? अवॉइडिंग जंक, आई थिंक इट्स गुड फॉर पीपल। मुझे आईडिया ही नहीं है। फूड शुड बी वेरी लेस, ईट हेल्दी, न्यूट्रिशन वैल्यूज इन योर डाइट। वेल, आई विल गाइड यू ऑन अ हेल्दी रूट। अ फ्रेश फूड फॉर अ फ्रेश यू। So join me on Zero Calorie Diet.